अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदं भुज सव्यवेणुं शिरसिशिखिपिञ्चां कटितटे दुकुलं नेत्रांति सहचर कटाक्षां च विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म की महती कृपा से पुनः आज श्री जगन्नाथ देव के श्री चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जगन्नाथ जी कौन है? श्री राधा जी के विरह में कातर करता हुआ कृष्ण ही जगन्नाथ है, इसीलिए उनको राधा विरह विदुरा भी कहते हैं। श्री राधा जी के प्रेम में कातर करने वाला जो स्वरूप है भगवान का, वही जगन्नाथ देव है। इसीलिए विप्रलंब भाव का क्षेत्र है पुरुषोत्तम धाम, पूरी धाम। वहां क्या प्रधान है? वहां क्या प्रधान है? वो कहते हैं विप्रलंब भाव प्रधान है, मतलब है रोना, विरह में व्याकुल होकर के क्रंदन करना। क्षमा कीजिएगा, लेकिन क्या करें, हरि कथा ऐसी वस्तु है कि व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है।
इसीलिए सब चीजों से थोड़ा सा वो करके चलना पड़ता। क्या होता है जब तक हमारे हृदय क्रंदन नहीं करेगा तब तक श्री जी का दासत्व हमें प्राप्त नहीं होगा। श्री राधा जी ने अपने हृदय के अंदर के उस प्रेम को श्री कृष्ण के सामने जब रखा कुरुक्षेत्र के अंदर, है ना, अंदर रखा रखा रखा, कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण सामने आए तो उनको बोलने नहीं दिया। श्री राधा जी की बातों को सुनने के बाद कृष्ण के अंदर वो जो पागलपन है वो उठ गया है, वो जो उन्माद है वो वहां पर उठ गया। अब वो श्री राधा जी के अनुगत में चलने के लिए व्याकुल हो उठे। विरह में कातर करते हुए, हा राधे, ये स्वरूप जगन्नाथ देव का स्वरूप है, ये विशेषता है। क्या होता है, यज्ञ करने का संकल्प करते हैं कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पे, ठीक है जी, त्रिलोक को निमंत्रण किया जाता है, बोल दिया जाता है कि ब्रजवासी को नौता नहीं देना है, पर्पसली बोला जाता है कि उनको नहीं बोलना है, मतलब है उन्हीं को बोलना है, कोई छूट गया तो भी चलेगा। और बोल किसको रहे, नारद जी को, कि नारद जी का ये विशेषता है, वो भगवान के हृदय को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए जब उनसे कहा जाता है कि ये काम मत करना, मतलब उनको इशारा हो जाता है कि भगवान चाहते यही करना। अब नारद जी ब्रज में पहुंच जाते, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण भी 100 वर्ष का जो दीर्घ काल का विरह ब्रजवासियों के साथ में है। अब इस कारण से कृष्ण हृदय भी व्याकुल हो उठा है कि मैं उनसे मिलूं, कहां मिलूं, क्योंकि लीला इस प्रकार से बना हुआ है कि मैं द्वारिका से उन्हें मिलने के लिए वृंदावन जा नहीं पाऊंगा, है ना, वो लीला इसी प्रकार से। और दूसरा, उन्होंने विप्रलंब जो भाव है उसकी उत्कर्षता को भी प्रकट करना है, इसलिए मिलन हो गया तो फिर संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको भी बना के रखा। होता क्या है, संबंध, संबंध उसके बाद वो प्रगाढ़ होता है, उस प्रगाढ़ संबंध के बाद जब विरह होता है वो विरह आनंद का वर्धन करता है। जगत में विरह नहीं है क्योंकि जगत में सिर्फ शोक है, शोक दुख का दूध होता है, लेकिन विरह वर्तमान, विरह जहां पर है वहां पर शोक के लिए स्थान नहीं होता क्योंकि वो वर्तमान है। इसीलिए अभी होता यह है कि इनका वो विरह का जो भाव है उसमें जो आनंद है, उस विप्रलंब भाव का आनंद का आस्वादन स्वयं गोविंद करना चाहते, उनको भी बड़ा आनंद आता है। आप देख लो, अभी
गुरुदेव के पास जाना होता है। इंतजार करते करते जो आनंद आता है उसका जो मात्रा है, मिलन के बाद प्राप्त करने वाले आनंद से जो है बहुत अधिक होता है। मिलने अच्छा ठीक है, अभी चलो काम ले जाओ, सामान रखो, लेकिन मिलने से पहले लोग बोलते भाई सामान कमरे में रख लो ना, दोनों आराम से मिल लेना। नहीं, अभी मिलना है। वो जो व्याकुलता जो है वो आनंद देता है। जो लीलावश उनको विरह में रहना था, लेकिन आज जो है ऐसा संयोग बन रहा है जहां पर कृष्ण ने उन्हें मिलना है। विरह के बाद जो मिलन होता है वो मिलन उस प्रेम को, उस आनंद को और बढ़ा देने वाला होता है। ये विशेषता है। इसीलिए बोला श्री कृष्ण विरह यार सहिते ना पारी पर न छाड़ीते यार दीन दुई चारी। कृष्ण विरह सहा नहीं जाता। ऐसे ही श्री राधा जी का विरह भी कृष्ण से सहा नहीं जाता, क्योंकि श्री कृष्ण का विरह उनसे सहा नहीं जाता। प्राण ऐसे लगते हैं कि कौन से मुहूर्त में छूट जाए पता नहीं है, लेकिन फिर सहारा क्या। गाइते गोविंद नाम उपजिलो भावग्राम देखिलाम यमुना रकुले वृषभानु सुता संगे श्याम नट वर रंगे। है ना, क्या है उस समय रक्षा करने वाला है, गोविंद का नाम है। इसीलिए जब ललिता और विशाखा श्री राधा जी से कहते हैं कि तुम जो है श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होकर शिथिल हो गई है, जर्जरित हो गई है, तुम्हारा गौर वर्ण मलिन होता जा रहा है, इसलिए कृष्ण का नाम तुम स्मरण नहीं करना, कृष्ण का चिंतन तुम नहीं करना। श्री राधे राधा जी बोलती है, अगर मेरा कृष्ण से प्रेम ही होता तो मेरा प्राण क्यों बचते। कितना विरह, जीवित भी है और जीवित रहने के लिए बाध्य भी है। मृत्यु वरण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता, लेकिन जीवित रहना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल अवस्था में हमारे प्राण नहीं रहे, ये बात अगर हमारे प्रीतम को पता चल जाए, उसको जो कष्ट होगा वो कष्ट जो है हमारे लिए अधिक कष्टदायी है। इसीलिए उसको कष्ट ना हो, इस कारण से हम अपने प्राणों को धारण करके रखेंगे। ऐसी अवस्था में श्री राधा जी आदि गोपियां अपने जीवन को चला रही हैं। और आज कृष्ण ने इच्छा किया कि बहुत दीर्घ काल का विरह हो गया, अभी भी अभी लीला संवरण का समय भी समीप में है, इसीलिए उनसे मिल लेते। एक अब इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, और नारद जी को कहते हैं कि उनको मत बुलाना। तो ठीक है जी, नारद जी पहुंच गया वृंदावन। नंद यशोदा सारे पूछ रहे हैं कि नारद सब ठीक तो है। बोलते सब ठीक है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। अच्छा, बोलते हाँ, त्रिलोक को निमंत्रण करना है। बोले करो। बोलते हमारा लाला यज्ञ कर रहा है। बोलते हाँ,
हमको बुलाया? बोलते मैं ब्रजवासी को छोड़ करके बाकी सबको बुलाया है। बोला अच्छा, बोलते हाँ ठीक है। नारद जी चले गए। अब यशोदा जी के मन में ऐसे ऐसे होने लगा, बोलती मेरा बेटा है यज्ञ कर रहा है, द्वारिका तो दूर है, कुरुक्षेत्र तो इतना दूर नहीं है वृंदावन से, है ना, वृंदावन से इतना दूर नहीं है, 200-300 किलोमीटर है। बद्रीनाथ से ना वृंदावन से 200-300 किलोमीटर के आसपास जितना भी पड़ता है। बोलते इसलिए मैं ही जाके मिल लूंगी। नंद महाराज बोलते देखो वो राज परिवार का यज्ञ है, बिना निमंत्रण जाएगी, कोई तुम्हें अंदर जाने नहीं देगा। अच्छा, लेकिन माँ है मनमानता ने, दूर से ही देख लो। अब नंद महाराज का भी मन विचलित हो गया। नंद यशोदा ने निर्णय किया कि हम जाएंगे। सारे ब्रजवासी चल पड़े। श्री राधा जी के जो प्रकाश है उसके कारण रात को भी जो है कहीं पे भी अंधेरा नहीं दिख रहा है। वो दिन रात करके चल के कुरुक्षेत्र पहुंच जाते। अब जब कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं वहां देखते हैं बड़े बड़े दीवार हैं, ये अंदर जाना चाहते हैं। सैनिक बोलते हैं निमंत्रण कहाँ है? बोलते वो तो है ही, ऊपर से ग्वाल वेश है, वेश भी ग्वाला का वेश है, इसीलिए वो बोलते हैं आप लोग अंदर नहीं जा सकते। भीम को और अर्जुन को प्रहरी के रूप में रखा, वो लोग चारों तरफ घूम घाम के देख रहे हैं। भीम और अर्जुन पहचान लेते हैं तो अर्जुन कहता है, भीम कहते हैं इनको अंदर आने के लिए रोकते हैं, हम अभी द्वार को तोड़ देगा। अर्जुन कहता है कि नहीं, ये जो है कृष्ण की इच्छा है, आप शांत रह के दर्शन करो। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर बैठकर विरह भाव से, कातर भाव से कृष्ण विरह में क्रंदन करते हुए कृष्ण को पुकार रहे हैं। जैसे जैसे भाव के साथ में वो लोग उन्हें पुकार रहे, कृष्ण अब अस्थिर होने लगे। वहां पर बतला रहे हैं कि भक्त के हृदय के अंदर जो प्रेम मेरे लिए ओतप्रोत है उसके वशीभूत होकर मैं अपनी सारी अवस्था को छोड़कर उससे निवृत्त होकर भक्त के पीछे चल पड़ता हूं। मुझे दिन और कोई भी वस्तु रोक नहीं सकता, कोई भी बंधन नहीं रोक सकता। वो लोग सीधा आके मिल सकते लेकिन क्या करना चाहते हैं, भगवान और भक्त के बीच में प्रेम के अतिरिक्त कोई और बैरियर नहीं रह सकता है। प्रेम है तो मिलन है, प्रेम है तो संग है, सब। नंद यशोदा विलाप कर रहे हैं, नंद महाराज यशोदा को डांट भी रहे हैं, तुमको मैं मना कर रहा था, आई अभी दुखी हो रही है। तो यशोदा की सखी यशोदा से कहती कि यशोदा रोना नहीं, अब कैसे रुकेगा आंसू, 100 साल का विरह जहां पर एक एक क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा। युगायतम निमेश अचक्षुषा प्रवृषाय शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद देहि, श्री कृष्ण विरह में शून्य की तरह प्रतीत हो रहा है। इसीलिए यशोदा और नंद ना भोजन करते ना सखा कुछ खाते,
ना गोपियां कुछ खाती है, और ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि यशोदा को कभी लगता है कि यहां कृष्ण है, फिर वहां जाके देखने से उनको लगता है कि नहीं ये तो मेरा भ्रम है, वहां लगता है कि वहां कृष्ण है। और गोपियों का तो पराकाष्ठा ही होगा, वो जब यमुना जी के अंदर जल भरने के लिए आती है उस समय जैसे ही गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण का नाम आता है, कृष्ण नाम को चिंतन करते करते वो लोग कृष्ण के ऐसे आवेश में खो जाते हैं, फिर कृष्ण की तरह ही लीलाओं को करने लगते हैं। उनको यह भी पता नहीं होता उस समय ऐसे प्रेम की पराकाष्ठा अवस्था जहां पर ऐसे समाधि है, ऐसी तुरी अवस्था, ऐसी चरम अवस्था, सबसे उत्कृष्ट अवस्था, जहां पर वो लोग कृष्ण की अनुपस्थिति को अनुभव ही नहीं कर पा रहे। वहां पर मिलन भी है, वहां पर वियोग भी है। कैसी स्थिति है वो, या तो विरह हो तो समझे कि विरह है, या मिलन हो तो समझे मिलन। वहां पर एक अवस्था के अंदर दोनों है, ऐसा लगता है कि अमृत पान कर रहे हैं, फिर अनुभव होता है कि जहर पी रहे हैं। ऐसा विरह कितना भयंकर होता है, वो प्रार्थना कर रही है गोपियां, विरह समुद्र जले काम तिमिंगले मोरनाथ, गोपी गण कर परित्राण। ये गोपियां सब जो है आपके विरह रूपी अथा समुद्र के मध्य में जो कृष्ण आदर्शन रूपी जो तिमिंगल के द्वारा निकली जा रही है, आप कृपा करके उन्हें दर्शन प्रसाद प्रदान करना। नहीं, कृष्ण तो सम्मुख में है, इसीलिए विलास जो करते हैं उनके साथ नहीं करते। विरह की वेदना में उत्पीड़ित होते हुए भी वो क्या कर रही है, कृष्ण चिंतन से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है। ऐसा इसीलिए जब उद्धव आया राधा जी को सुख नहीं हुआ, श्री राधा जी कुरुक्षेत्र में आके कृष्ण को बोलती है तुम्हारा ऐसा निष्ठुर व्यवहार कि तुम उद्धव को बेच करके बोल रहे हो ब्रह्मचिंतन करो, हमारा दुख तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ता, ताने भी दे रही है प्यार भी कर रही है। ऐसी स्थिति मेरा दुख की परवाह तुम्हें नहीं है कोई बात, लेकिन ब्रजेश्वरी का दुख को तो देखो, ब्रज में तो पधारो, सुन रहे हैं कृष्ण क्या होता है, कब सुन रहे हैं, जब वो लोगों ने कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित किया, कैसे प्रेम से वही बाहर बैठकर क्या कर रहे हैं, वो लोग कृष्ण का नाम पुकार रहे हैं, गोपाल। रहा नहीं जाता कृष्ण से अब, कांपती हुई थर थर करती हुई यशोदा की मैया की आवाज जोर से भी नहीं निकल रहा है, कौन सुन रहा है, कृष्ण सुन रहा है। इसीलिए वो वहां पर सिंहासन कांप रहा है उनका, बोलते नहीं मुझे जाना है मैया के पास जाना है, मैं नहीं रह सकता, मुझे जाना ही जाना। ब्राह्मण बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए, पूर्णाहुति होने दीजिए, बोलते ना संभव मेरा बस का काम नहीं है। सखा कह रहे हैं कन्हैया कृष्ण बोलते कि नहीं अब तो मुझे जाना ही जाना, मेरे सखा मुझे याद कर। और आज श्री राधा जी और गोपियां वो तो बेचारी बोल भी नहीं सकती,
क्योंकि एक लज्जा और मर्यादा का लीला है भौम लीला में, क्योंकि उनका भाव तो पारकी विशेष है। कृष्ण को देखने तो आई है लेकिन पारकी विशेष है, भौम लीला में कैसे बोलेंगी वो। ऐसी अवस्था क्या हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण बिना में हृदय दर्द होता जा रहा है, वो बोल रही है सखी गो के मते नारी गो परा, किस प्रकार से अपने प्राणों को मैं रक्षा कर रहा। अरे किस प्रकार से रक्षा कर, बोलते हाँ निमेश मिलो युगे भी युग के समान प्रतीत हो रहा है। कल्पना भी कर सकते हैं ऐसी स्थिति में गोपियां तड़प रही हैं, किसी को बोल भी नहीं सकते, सखा तो खुल के रो भी सकते, यशोदा खुल के रो सकती, लेकिन गोपियां क्योंकि भौम लीला है उसमें भी पारकी लीला है, स्वकीय लीला नहीं कर रहे, पारकी लीला कर रहे, बोल भी नहीं सकते किसी, अंदर अंदर से तड़प रही कि हे श्याम सुंदर आपका दर्शन नहीं होगा, बस रह नहीं पा रहे। जैसा भाव ऐसा प्रादुर्भाव, सिर्फ प्रादुर्भूत नहीं हुआ, उनके साथ में फिर विलास किया। ऐसा तो यशोदा मैया के गोद में बैठ करके बोलते भूख लगा है मुझे, सखाओं के बीच में सखा बन के बैठे हैं, गोपियों के बीच में श्याम सुंदर स्वरूप में जाकर के बैठे हैं। सिर्फ बैठे नहीं है, तब जाकर के वो पागल हुए हैं, वो पागलपन का जो पराकाश का रूप है जगन्नाथ देव का ही रूप है। ऐसा ईश्वर राधा जी कह रही है तुम यहां पर हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, अन्य हृदय मोर मोर मौन वृंदावन, दूसरों का हृदय हृदय है मन है लेकिन मेरा हृदय तो वृंदावन है। इसीलिए उस वन को और ये मन को एक करोगे तो ही मुझे आनंद होगा। तुमने आश्वस्त किया था कि मैं वृंदावन अवश्य आऊंगा, इसीलिए तुम्हारे वचनों के ऊपर भरोसा करके हम लोग ब्रज से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। श्याम सुंदर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? आपके वाणी के ऊपर हमारा वो विश्वास भरोसा, तुमने कहा जाने से पहले मैं आऊंगा, कैसे हम लोग तुम्हारे बात को ना समझे नकार दे। ना हमसे वृंदावन से बाहर आया जाता है, ना तुम वृंदावन में आते हो, ये जीवन को हम लोग किस प्रकार से रक्षा करें। श्याम सुंदर बताओ तो सही हमारा क्या दोष था, क्या तुमसे प्रीति करना ही हमारा दोष था। सब सुन रहा है कृष्ण, सब सुन रहा है। आप देखेंगे स्नान यात्रा के बाद जो 15 दिन ये जो दैत्यपति सेवा करते हैं वो वही है,
वो अंतरंग सेवा है। बाहर के दृष्टि से बोला जाता है कि श्री कृष्ण जो है स्नान करके अस्वस्थ लीला प्रकट कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहां से बीमार होते हैं? मतलब यह है कि जितने भी व्यक्ति कृष्ण से मिलना चाहते हैं, जो कि उस अंतरंग जहां पर विश्रम भाव से बाहर के हैं, उन लोगों को दूर रखा जा रहा है। मतलब जिनका भाव गौरव है ना, ये दो प्रकार का वो है, एक गौरव है एक विश्रम है। इसीलिए वहां पर जो गौरव भाव के जो व्यक्तित्व है, जो दास है, सेवकगण है, उन लोगों को एक तरफ रख के कृष्ण को ये ब्रजवासी काउंसलिंग कर रहे हैं। उसके लिए एकांत चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। कृष्ण तो प्रभु है, द्वारिकाधीश है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उनको ये बोलकर कृष्ण इस समय जो है किसी से मिल नहीं सकते, और अंदर में वो लोग कृष्ण को पकड़कर ये बातें उनको सुना रहे हैं। याद है किस प्रकार से तो माखन के लिए भागा करता था, तड़प रहे भगवान। होता क्या है, विरहाग्नि है और उसके अंदर जो व्रजजनों के जो वाणी है वो घृत जैसा काम कर रहा है। उद्धव इसीलिए वृंदावन गया था, उद्धव का वृंदावन जाने का पीछे कारण ही ये था, क्योंकि कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते करते रो रहे, रात भर रोते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा भी इस बात को देखती है कि हम कक्ष में रहते हैं लेकिन देखते हैं कि बिस्तर कांपता रहता है, क्योंकि रोने से ऐसे 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 हिचकियां आते हैं, शरीर कांपता है, मालूम पड़ता है कि कृष्ण सो नहीं रहे, केवल रो रहे। क्यों? उनके विरह में व्याकुल उनके प्रियजन जहां पर विलाप कर रहे हैं वहां पर कृष्ण स्थिर कैसे रह सकते हैं, धीर कैसे रह सकते हैं? जो धीर व्यक्तित्व को भी अधीर कर दे वो है प्रेम। वही धीर स्वरूप को अधीर करके विचलित कर दे और ऐसे रूप प्रकट कर दे वही प्रेम है। इसलिए प्रेमावतार है, इसीलिए जो कृष्ण है वही महाप्रभु है, वही गौर है। यही कृष्ण, सही गौर, सही जगन्नाथ, तीनों एक है, कोई अंतर नहीं। वहां पर कृष्ण है, राधा भाव को अंगीकार करके कृष्ण प्रेम के लिए क्रंदन कर रहे हैं, यहां पर जगन्नाथ स्वयं राधा जी के प्रेम के लिए विलाप कर रहे हैं। इसीलिए गौरांग महाप्रभु के रूप में कृष्ण वही रहकर उसका आस्वादन कर रहे हैं, अपने प्रेम के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए भी क्रंदन कर रहे हैं, राधा रानी के प्रेम के लिए भी क्रंदन कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत स्थिति जगन्नाथपुरी का स्थिति है, जगन्नाथ जी की स्थिति। साधारण विग्रह नहीं है जगन्नाथ, ऐसा ये विशेषता है, साधारण नहीं। ऐसे लगे कि कईयों को लगता कि क्या रूप है, अभी तो भक्त लोग है लेकिन कई व्यक्तियों को नहीं पता, उनको लगता कि पता नहीं क्या रूप है। ये रूप के पीछे कितना हिस्ट्री है, कितना चरित्र है, कितना महत्व है, कौन समझ पाता है? जिसके हृदय के अंदर भगवान के भक्ति का गंध भी नहीं, वो लोग तो इसको कभी भी समझ ही नहीं सकते हैं। ये विशेषता है, उनको समझना है तो हरिभजन नियम से, श्रद्धा से, प्रेम से करना पड़ता है।
जितना ज्यादा विरह उतना ही अभिव्यक्ति है। कृष्ण को बोला जा रहा है कि लाला मेरा याद तो आता है, तुम नाराज है कि मैंने तुमको उखल से बांध दिया था, इसीलिए तुम मेरे से नाराज हो। कहां रहेगा जी कृष्ण उसके बाद, कहां रह सकता है कृष्ण उसके बाद? दिन में नंद यशोदा सखा और रात्रि काल में श्री राधा जी और गोपियां, कहां जाए कि बेटा तुम इसलिए मुझसे नाराज हो कि दूर चला गया? यशोदा का शरीर इतना दुर्बल हो गया, रोते 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 नालियां बन गया। और क्या कृष्ण रुकेगा वहां पे? और कृष्ण तो रो ही रहे पहले से, लेकिन खुल के कभी भी नहीं रो पाए। किसके सामने रोएंगे, कौन समझेगा उसको? इसीलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बोल दिया सदा कांदे संगोपने, क्योंकि मालूम है कि उसको समझने वाला लोग नहीं होता है। अपने दिल का दुख किसको सुनाए? श्री माधवेंद्र पुरी मात का भाव को वहां पर दिखलाया, कहां कृष्ण प्राणनाथ, हे प्राणों के नाथ, हे प्राणवल्लभ, हे कृष्ण, कहां पर? मुरली वद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 18 नाला में खड़ा होकर वो जगन्नाथ जी के नीलचक्र के पास श्याम सुंदर रूप को ही देखा, जो कि मुरली वादन करते वो भी देख रहे हैं वहां पर। ऐसा इसलिए कहते हैं हे कृष्ण, कहां कृष्ण प्राणनाथ, हे मेरे प्राणों के नाथ, तुम कहां पे हो? मुरली कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, जाऊं कहां मैं उनको पाने के लिए? क्यों बोलते दिखलाई तो दिया लेकिन फिर गायब भी हो गया। कतो क्षण नाही जानी ज्ञान लाभ भैलो मन आर नहीं भिलो दर्शन। अरे श्री कृष्ण का अदर्शन हो गया है, दिखाई दिया फिर अदर्शन हो गया, हम जाएगा कहां अब श्री कृष्ण के? तड़प रहे कृष्ण 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 करते हुए, विलाप करती हुई, भ्रमण कर रही है, भटक रही है, लेकिन दिखता नहीं है। कितना तड़पन है। यशोदा जब दधि मंथन करती है, वो देखती है कि मंथन दंड को पकड़ने वाला वो गोपाल का छोटा सा करकमल कहां पे? दिखता तो है बेटा, माखन नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए तुम मुझसे दूर चला गया। क्या बोलेंगे कृष्ण, क्या बोलेंगे? वो भी रो रहे, वो भी रो रहे। क्यों? वो तो 100 साल से कृष्ण तो रो ही रहा है, आज वो उबाली जो है बाहर निकल के आ गया उनके सामने। जिनके लिए रो रहा है वो सामने आकर, ऐसा होता है। हम तो बड़ा कठोर प्राणी है, मतलब मैं काफी कठोर आदमी हूं, मेरा दिल बहुत पत्थर जैसा है, इसीलिए मेरा माता पिता से कोई संपर्क नहीं होता है। अभी मठ में आने के 14 साल के बाद किसी संदर्भ में उनके साथ संपर्क हुआ, तो मैं अपनी माँ को फोन में माँ बोला, वो 15 मिनट रोने लगे। बात तो बाद की बात है, 10 मिनट तक मैं पत्थर की तरह बैठा रहा, उसके बाद आखिरी के 5 मिनट तो मैं भी बच्चे की तरह रोने लगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं दुनिया के अंदर, और
ये तो इस संसार का रिश्ता है। माँ ने भी एक दिन खत्म हो जाना है, बेटे ने भी एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन वो जो बंधन है इस संसार का, हर बंधन के पीछे आधार स्वार्थ होता है, लेकिन वहां पर हर बंधन के पीछे आधार केवल प्रेम होता है। ऐसी अवस्था के अंदर जहां पर इतना दीर्घ काल का विरह की वेदना में उत्पीड़ित माँ और बेटा दोनों ही है, हमको हमारा तो पत्थर दिल है, आखिरी में रोना है। भगवान का तो पत्थर दिल नहीं है, बहुत नरम दिल है, कोमल सा हृदय। भगवान का हृदय इतना सुकुमार और सुकोमल, इसीलिए आरंभ से ही क्रंदन कर रहा है, लेकिन कभी कहीं पे भी व्यक्त नहीं कर पाए। आज यशोदा आकर के सामने बैठ के बोल रही कि गोपाल बेटा, जिस समय तुम काली नाग के ऊपर था, मैं जमुना जी के जल में कूदी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, इसीलिए तुम मुझसे नाराज है। क्या बोलेगा कृष्ण, क्या कहेंगे? रो रहे। सखा कहते हैं कि कन्हैया, हमने अपना खाया हुआ तुमको कई बार खिलाया, इसीलिए हम हमारे से दूर चला गया। तुमको नीचे रख के तुम्हारे कंधे पे हम लोग खड़े होकर के फल तोड़ते थे, इसीलिए तुम चला गया हमें छोड़ के। हम तुमको गालियां देते थे, इसीलिए तुम हमको छोड़ के चला गया। क्या कहेंगे कृष्ण? वही मधुमंगल श्री राम सुदाम आदि सखाओं को देख कर विलाप कर, और शाम को गोपिया कहती, श्री राधा जी कहती है कि हे श्याम सुंदर, याद नहीं आता हमारा, हमारा प्राणों का रक्षा कौन करेगा? तुमने हमें आश्वस्त किया था, हम तो तेरे बिना तेरी याद में तड़प तड़प कर ना तो हम मर पा रहे हैं ना हम जी पा रहे हैं। याद नहीं आता है, तुम्हारा हम पर इतना कृपा नहीं हो सकता कि तुम ब्रज में पधार कर ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि ये जनारंग कोई भी ब्रजवासी को नहीं अच्छा लगता, ये राजवेश किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा वो मोर पंख कहाँ है? तुम्हारा वो वनफूलों की माला कहाँ है? तुम्हारा ग्वाल वेश कहाँ है? इन सब के बिना तुम हमारे सामने रहते हुए भी हम तुम्हें अपने हृदय से बड़े दूर देख रहे हैं। ऐसा वही तुम हो, वही हम हैं, प्रेम भी वही है, लेकिन परिस्थिति देखो कैसा है। इसलिए बोलते हैं, हे गोपीनाथ वृंदावन चलो, हे गोपीनाथ। ऐसा इसीलिए जो है ब्रजवासी रथ नहीं पसंद करते, और रथ यात्रा ब्रजवासियों के लिए नहीं है, बोलते ना ये रथ हाथी घोड़े ये सब हमें नहीं चाहिए। इसीलिए कृष्ण भी क्या करते हैं, वो ब्रजजनों के कंधे पे चढ़ के जाते हैं जब पहुंडी विजय होता है, क्योंकि श्री राधा जी ब्रजवासियों के प्रार्थना को सुनने के बाद श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था हो गया कि अब श्री कृष्ण प्रेमोन्माद की अवस्था में पहुंच गए। वही जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ वही है, राधा जी के प्रेम में क्रंदन करने वाले व्याकुल। ये बात है, जो ये भी जरूरी था, नहीं तो हमारा कथा कहीं और चला जाता है। तो बात यह है कि कृष्ण ये कौन है? जगन्नाथ
श्री राधा जी के विरह का वो विदुर मूर्ति है, ऐसी विरह कि जगन्नाथ का ऐसा स्वरूप को प्रकट कर दिया। श्री राधा जी का प्रेम को जो है कृष्ण भी नहीं समझ पाते, इसीलिए बोलते राधार प्रणय महिमा की दृशोवा। वो चिंतन कर रहे हैं जब श्री राधा जी का स्वरूप जो है श्याम सुंदर वर्ण में पहुंच गया, कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण विरह में व्याकुल होकर और श्री कृष्ण स्वयं आके श्री राधा जी को स्पर्श करते हैं, उनको ध्यान भंग भी होता नहीं है। एक बार नहीं, अनेक बार ऐसा होगा, हर बार कृष्ण के मन में यही भाव आता है कि ऐसी कौन सी स्थिति। वो श्री राधा जी से ही प्रार्थना करते हैं कि इसको मैं अनुभव करना चाहता हूं। जब श्री राधा जी का आदर्शन हुआ उनको, कृष्ण भी राधा जी के स्मरण में उनके विरह में व्याकुल होकर क्रंदन करते करते हाराधे करते करते जब विलाप करने लगे, कृष्ण का वर्ण भी गौर हो गया। लेकिन जब उनका प्रेम की पराकाष्ठा की अवस्था को कृष्ण ने साक्षात रूप से अनुभव किया, तब वो उन्माद अवस्था कृष्ण का ऐसी अवस्था को प्रकट कर दिया है। जहां पर शरीर सुकुड़ जाए, आंख बड़े बड़े हो जाए, ये सब महाभाव विभाव अधिरूढ़ महाभाव आदि के विशेष लक्षण होते हैं प्रेम के ऊपर की अवस्था के। उसके बारे में चर्चा करने से किसी को समझ में भी आएगा, वो चर्चा का अंश भी नहीं, विशेषता है। भगवान के अंदर भी वो सारे जो विकार हैं, वो सब मूर्तिमंत होकर के जहां प्रादुर्भूत हुआ, वही जगन्नाथ जी का स्वरूप है। ये बात है, इसीलिए वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन यही जगन्नाथ है। क्या कह रही है श्री राधा, कहा रही कही वो कथा केवल जाने मोर दुख, किसके पास जाकर के बोलूंगा, कौन समझेगा मेरा इस दुख को, इस दर्द को समझेगा कौन, क्या है ऐसा दुख। बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन बिना फटे मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के बिना मेरा हृदय फटता था। ये अवस्था है, हे कृष्ण कहां हो, यही जगन्नाथ का स्वरूप है। यही जगन्नाथ का स्वरूप है, लेकिन ये हमारे जीवन में कैसे समझ में आएगा, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। लीला सुन लेने से हो जाता है, समझ कितने को आता है, फिर समझ कैसे आएगा। नाम का आश्रय लेने पर समझ में आएगा। विरह से रक्षा कौन करेगा, विरहाग्नि से रक्षा कौन करेगा। बोलते हैं नाम समाश्रय धर्म परा, ये प्राणों की रक्षा होगा तो वो नाम का आश्रय लेने पे होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो विरहाग्नि है उसको शमन करने का उपाय जो है वो केवल भगवान का नाम है और कुछ है ही नहीं। श्री राधा जी यही बात ललिता विशाखा को भी कह रही है, क्या बोलती है, जब मैं श्री कृष्ण का नाम को स्मरण करती हूं, उच्चारण करती हूं,
और श्री कृष्ण का दिव्य नाम जो है मेरे जीवा के अग्रभाग के ऊपर नृत्य करने लगता है। उससे क्या होता है, मेरे जीवा तृप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इतने पीड़ा भी होता है मन के अंदर। इतने दिव्य भगवान का नाम का आस्वादन करने के लिए केवल एक जीवा दिया, क्योंकि विरह की मात्रा वो बहुत ज्यादा है ना। विरह की मात्रा इतना है कि उसको शांत करने के लिए इसलिए बोल दिया, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो तप्त जीवन है उसको शमन करने का अगर कोई उपाय है वो आपके कथामृत ही है। और जो जीवन सही है उसको भी तड़पाने का अगर कोई साधन है वो भी आपकी कथामृत ही है। ये विशेषता है। इसीलिए जिसके हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उस प्रेम को जागृत करने का कोई साधन है वो आपकी कथामृत ही है। और जो कथामृत को पान करने के बाद जब हृदय तप्त हो जाता है, विरहाग्नि के अंदर दंड होने लगता है, तो उसको शमन करने का जो साधन है वो भी आपके कथामृत ही है। ये विशेषता है उसका। रूपया ही कह दी, जितने भी श्रेष्ठ भक्त हैं उन लोगों के परम आराध्य आपकी हरि कथा है, जिसको श्रवण करने से जीव का परम मंगल होता है। परम मंगल क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, श्री राधा जी का श्री चरणों में दासत्व की प्राप्ति, वो सुलभ हो जाता है। विशेषता है। अगर भजन करते हुए श्री राधा जी के पापों का दासत्व को प्रदान कर नहीं पाए तो वास्तविकता में जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये ना समझे शांत दास सांख्य और वात्सल्य रस का कोई अर्थ नहीं है। हर रस की अपनी एक उत्कृष्टता है, हर रस की अपनी एक महिमा है, गरिमा है। ये बात है। अनुभूति के स्तर पर आने के बाद हर रस की अनुभूति एक जैसा ही होता है। हनुमान जी दास्य भाव में रहकर के जो सुख को अनुभव कर रहे हैं, नंद यशोदा वात्सल्य में रहकर के वही सुख को अनुभव कर रहे हैं। निष्पक्ष विचार से बाहर खड़े होके जब हम देखते हैं तो ही तारतम्य दिखलाई पड़ता है, लेकिन उसमें प्रविष्ट होने के बाद किसी को कोई भी तारतम्य दिखता नहीं। अगर तब भी दिखाई दे तो वहां पर रस की पूर्णता का अभाव है। इसीलिए किसी भी रस को निम्न ऐसा ना समझे। हम लोग श्री रूप रघुनाथ के आचार्यों के अनुगत होने के कारण वो जिस भाव में चल रहे हैं, श्री ललिता सखी के अनुगत, अनंत मंजरी आदि सखियों के अनुगत, जहां पर श्री राधा जी का दासत्व प्रधान साधन है, उसके लिए इस बात को बतला रहे हैं। वही भगवान है, इसलिए साधना करना पड़ता है। हरिकथा को श्रवण करना पड़ता है। हरिकथा को श्रवण करते करते ऐसा अवस्था आता है जहां पर मैं ये शरीर हूं वाला जो भाव है वो निकल जाता है। हरिनाम करते करते ऐसी अवस्था आता है, मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं ना शंड हूं, हर प्रकार से के उपाधि से मुक्त हूं। मैं कौन हूं? श्री जगन्नाथ देव का दास हूं और कुछ नहीं। उनके दासों के दासों के दास के अतिरिक्त मेरा और कोई अस्तित्व नहीं।
उसके बाद जब हम साधना करते हैं, वो साधना हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति वो जो प्रेम होता है उसको भरने लगता है। हमारा साधन प्रणाली क्या है? पहले ये जानना कि यही भगवान है, बाद में ये जानना कि ये भगवान नहीं है, ये हमारा साधना है। तब जाकर के उस जगन्नाथ देव का, उस प्रेम का हम लोग भी अधिकारी बन पाएंगे। भगवान हमें क्या देना चाहते हैं? प्रेम देना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? जिले वाला भूज सब के देन शीर्ष के बिंचाम कट कर, वही कृष्ण खड़े हैं वहां पर, वही कृष्ण खड़े किसके लिए खड़े? अपनों को मिलने के लिए खड़े हैं। जैसे भाव के साथ उनके चरणों में हाजिर हो गए, ऐसे ही भाव में उन्हें प्राप्त कर लोगे और वो स्वयं राधा जी के उस प्रेम को पाने के लिए व्याकुल होकर वृंदावन की ओर दौड़ रहे हैं। एक विशेषता है जो जगन्नाथ देव का कृपा हम सबके ऊपर हो, हमारे हृदय में भगवान के पांच पद्म में अविरल भक्ति हो, प्रेम हो, सबसे मुख्य रूप से ऐसी कामना करते हैं। महाराज जी भी वहां से देख रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा संकोच में आ गया था। वैसे तो मुझको ऐसे डर लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ बार भारती महाराज जी ऐसे सबके सामने उन्होंने हमको बोल के ट्रेनिंग दे दिया, बोलते कहीं पे भी बोलना है, लेकिन उसके साथ में बोलना है क्योंकि हमसे क्या सीखा महाराज जी ने सीखा, तो इसीलिए थोड़ा सा डर तो लगता नहीं, लेकिन बड़े हैं, आचार्य हैं, महात्मा हैं। और संवाद भी दिया कि वहाँ पर जब मैं आ रहा था स्क्रीन भी ऑन करके रखा, तो मैं थोड़ा सा संकोच में आ गया। जो भी पूज्य महाराज श्री का बड़ा आशीर्वाद रहा है आप सबके ऊपर और मेरे ऊपर भी, इधर आने से पहले महाराज श्री का दर्शन करने भी गया था। अनगत में रहकर भजन करते रहने से हम लोगों का मंगल होता है, अनगत में रहकर भजन करने से वो अनगत हमें इतना साधना को भी इतना बना देता है। ये अनगत का ये विशेषता है, भगवान हमारी साधना की मात्रा नहीं देखते हैं। अगर गंभीरता से विचार करें, भगवान हमारे अनगत को देखते हैं, ये व्यक्ति अपने साधना के दौरान कितना अनगत्य किया। इसलिए गुरु वैष्णवों के अनगत्य में रहकर जब हम लोग हरिनाम का आश्रय लेते हैं, नाम प्रभु के कृपा से हमें भक्ति भी प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, फिर उसके बाद वही भक्ति क्रमोन्नति में भाव प्रदान करेगी, वही भक्ति क्रमोन्नति में हमें प्रेम भी प्रदान करेगी, जहां पर भगवान हमारे भक्ति के द्वारा वशीभूत होकर हमारे जीवन में पधारते हैं। वृंदावन विहारी लाल की।